एंड बाकी सब कुछ हुआ एंड उसके बाद हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, बट उसके बाद फिर पासपोर्ट रख लिया और फिर यहाँ बैठा दिया। हाय गाइस, तो अभी हम लोग इस समय शारजा में, भाई दुर्गेश हाय करो, और हम लोग जा रहे हैं इस समय एक नई कंट्री और जिसका नाम है जॉर्डन, जो कि सीरिया से लगी हुई है, तो बड़ी स्ट्रेंज कंट्री है, तो जाएंगे वहाँ पर। बट हम लोग के साथ आज बहुत ही मतलब बेवकूफ़ी हो गई, हम लोग ने दिल्ली से फ्लाइट लिया था और हमारी फ्लाइट थी एयर अरेबिया और शारजा में लेओवर था। तो दुर्गेश बताओ भाई, खाना मत ढूंढो, पहले ये बताओ क्या हुआ, क्या शॉर्ट में बताओ। हुआ ये कि जब मैं टिकट बुक कर रहा था जॉर्डन के लिए, तो मैंने एयरलाइन से भी कंफर्म किया था और वेबसाइट पे भी देखा था, वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपके पास सेम एयरलाइन का रिटर्न टिकट होना चाहिए, बट नहीं तो आपको बोर्डिंग डिनाई कर दिया जाएगा। बट जब हम एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही रूल है। मैंने काफ़ी बहस किया उनसे कि आप रिटर्न में दो, ऐसा वैसा ये हो, बट फाइनल में रिजल्ट यही निकला कि वो हम बाद में देख लेंगे, वो हम बाद में निपट लेंगे क्या रूल था क्या नहीं था। अभी टिकट कराते हैं सेम एयरलाइन की ताकि बोर्डिंग अलाउ हो। तो हमने टिकट कराया, हमारे 50,000 घुसे जरूर। मतलब कि हमारी विज एयर एयरलाइंस थी जो कि अकाबा से अबू धाबी के लिए थी, बट उन्होंने बोला नहीं, हम तभी आपको एयर अरेबिया से जान देंगे जब आप वापसी का भी टिकट एयर अरेबिया से करोगे। तो एक बड़ा ही स्ट्रेंज सा चीज़ उन्होंने मतलब ऐसा रख दिया, मतलब ऐसे करना ही चाहिए, जबकि रिटर्न टिकट तो था ही, भले दूसरी एयरलाइन का हो, लेकिन बड़ा ही अजीब था। तो उसकी वजह से काफ़ी मूड ख़राब हुआ और फिर हमने टिकट किया, वो उसका क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमने तो यहाँ आना ही था। और बाकी जॉर्डन पास भी हम लोग ने ले लिया। जॉर्डन पास कितने पड़ा दुर्गेश? 9,500। उसमें वीज़ा भी इंक्लूडेड है ना, वीज़ा पेट्रा का 2 दिन का, वीज़ा और पेट्रा का 2 दिन का है। तो यहाँ पर एक ये एटीएम है और इसमें मैंने अपना नियो ग्लोबल कार्ड डाल दिया और यहाँ से फटाफट मैं विड्रॉ कर लूँगा अराउंड 1,000 दिरहम्स। चलो एंटर कर दिया पिन, अब वो एकदम सिंपल प्रोसेस है, डायरेक्ट अपन लोग निकाल लेंगे 1,000 सेविंग्स अकाउंट। और ये कितना पड़ रहा है, ठीक है इसको कर देते हैं विदाउट कन्वर्जन, प्रोसीड विदाउट कन्वर्जन। तो ये मिल गया हमको जॉर्डेनियन दिनार, और वैसे तो मैं एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज नहीं कराता, बट पहले दिरहम्स में कराया फिर उसको जॉर्डेनियन दिनार में कराया। तो एक जॉर्डेनियन दिनार जिसकी वैल्यू ज़्यादा है दिरहम्स और इंडियन करेंसी से, तो 5.3 AED पड़ा है 1 जॉर्डेनियन दिनार। और इसमें सबकी अलग अलग फ़ोटो, जैसे इसमें इनकी है, इसमें कोई दाढ़ी वाले हैं इनकी, अब इनके इनका क्या रोल है या इनका क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट ये है करेंसी। बाप रे, बड़ी महंगी करेंसी यार, 122 रुपये पड़ रहा है एक जॉर्डेनियन दिनार का। वैसे इससे भी महंगी करेंसी है लेकिन ये भी काफ़ी है महंगी। बहुत थक चुके हैं अभी, 10 घंटे का लेवर लगभग, और जैसे जैसे आगे पहुँचेंगे आपको डिटेल बताएंगे और वीज़ा ऑन अराइवल भी जॉर्डन में लेने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कैसे हम लोग को मिला है और क्या परेशानियाँ हुई है कि नहीं दुखे, वो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। और ये क्या मंगाएं भाई हम लोग? ये हैप्पी मील है, हैप्पी मील है, बचपन वाला चीज मंगाएंगे। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर बाद में। पहुंच चुके हैं जॉर्डन, अमान और दुर्गेश, क्योंकि सिटी भी काफ़ी दूर है, निकल तो दूर है ना, आधे घंटे लगेंगे, आधे घंटे लगेंगे, बट ये है कि एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा एयरपोर्ट है, डिसेंट है, तो लगभग 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद वो आया एक आदमी सुपरवाइज़र बोल रहा था जो, और आके वो टिक किया सारा चीज़ें और जॉर्डन पास दिखाया एंड बाकी सब कुछ हुआ एंड उसके बाद हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया, बट उसके बाद फिर पासपोर्ट रख लिया और फिर यहाँ बैठा दिया।
दो घंटे से ऐसे ही परेशान किया। हम लोग 11 बजे पहुंच गए तो अभी 2 बज गए हैं और 3 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। तो बड़ा ही हेक्टिक था, पिछले 24 घंटे से एयरपोर्ट पे ही हैं हम लोग। भाई यहाँ पर काफ़ी पूछा कि आप क्या करते हो, आईडी दिखाओ, और मैं काला क्यों लग रहा हूँ, आप यहाँ क्या करते हो और आईडी अपनी दिखाओ, और डॉक्टर हो या क्या काम करते हो, कैसे मुझे पता चलेगा। लेकिन ये नहीं पूछा कि कितना आप कैरी कर रहे हो पैसा, और बहुत ही परेशान किया, एकदम दिमाग ख़राब कर दिया। इतना पूछा, वीज़ा मिलने के बाद भी रोक के पूछा, और कल तो एयर अरेबिया वाला कांड हुआ ही हुआ, तो बहुत ही थक गए, एकदम परेशान हो चुके हैं। लेकिन मिल गया है, अब हम लोग निकल चुके हैं वो इमिग्रेशन से। और ये भाई यहाँ ही खड़ा है दुर्गेश, और अब चलते हैं अपने होटल की तरफ जो हम लोग ने बुक किया है booking.com से। और हमें लग रहा है कि यार टैक्सी काफ़ी महंगी होने वाली है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और हमारे पास तो जॉर्डन पास था, तो जॉर्डन पास में सब कुछ इंक्लूडेड रहता ही है, तो हमने 10,000 का जॉर्डन पास लिया था। पेट्रा का 2 दिन का भी इंक्लूड है उसमें, और ये वीज़ा फ़ीस जो 40 दिनार है वो भी है। तो एक सही है कि आप पहले से करके आ जाओ, उससे ये भी अच्छा रहता है ना कि उनको पता रहता है कि हाँ आप करके आए हो। जॉर्डन को ये भी रहेगा फ़ायदा कि आप जॉर्डन पास लिए रहोगे तो उनको पता कि हाँ घूमने ही आए हो 10,000 रुपये खर्च करके, और आप यहाँ के कोई काम वाम नहीं करोगे। तो काफ़ी थकान हो गई है, चलते हैं। तो यहाँ पर एक सिम की शॉप है, वहाँ पर आ गए, और दुर्गेश परचेज कर रहा है। कैसे देते हैं? व्हाट एक्चुअली यार, वी हैव आवर रिटर्न टिकट ऑन 23। एक 10 डेज प्लान लग रहा है यहाँ पर 10 जॉर्डेनियन दिनार में, तो ये बेटर लग रहा है। 30 GB मिल जाएगा और 1,000 रुपये पड़ेंगे, 1,200 रुपये। सही है। तो हम लोगों ने एक बस ले लिया, दुर्गेश भाई हम लोगों ने एक बस ले लिया था, कितने में? 7 JD में दोनों लोग का हो गया, तो और हम लोग 7 सर्कल पे आ गए, और यहाँ से 3 JD लगेंगे, यानी 5 JD में हम टोटल 5 JD में पहुँचे, 40 किलोमीटर कवर कर लिया। हाँ, 40 किलोमीटर अराउंड का बता दे, इज इक्वल टू अराउंड आई थिंक 600। एक JD तो 120 रुपये है। तो भाई धूप बहुत तेज हो रही है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, सनग्लास लगा लिया, बैटरी भी डाउन हो गई। चलते हैं होटल, चेक इन करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं वो और दिखाते हैं सिटी। तो अभी बस ये पहला दिन है जब हम पहुंचे थे अपने होटल, और हमारे होटल का नाम है जायना प्लाजा होटल, और ये काफ़ी ठीक है, मतलब आप रह सकते हो, सस्ते में है, और लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट पूरा यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, एंड खाने वाने का भी सब सामान मिल जा रहा है यहाँ पर। अरे भाई इधर भी कुछ बड़ा सा कुछ है, शॉर्मा भी मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि लूँगा शॉर्मा। मेरे पीछे एक शॉप है, और यहाँ पर पानी मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये लगभग 1.5 लीटर वाले पानी की बॉटल लगभग मिल गए हैं 0.25 जॉर्डेनियन दिनार में, तो यानी आधी जॉर्डेनियन दिनार यानी कि 60 रुपये में मैंने 2 बॉटल ले लिया है, एक हमारे लिए और दुर्गेश के लिए। और ये यहीं पर शॉप से कई सारी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बस सोचा खा लूँ, लेकिन पहले तो एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद चलेंगे खाने, लेट्स सी क्या होता है। मज़ेदार तो लग रहा है, सही है, अरेबिक कंट्री में। वैसे ये मेरी दूसरी कंट्री है, पहले तो मैं UAE जा ही चुका हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर कर ही लिया है मैंने उसको। चलो तो यहाँ पर आ गया हूँ, और लगभग एक शॉर्मा पड़ा है बड़ा वाला, वो 1.2 जॉर्डेनियन दिनार में, और कुछ इन्होंने नए चेंज दिए, मतलब ये छोटे छोटे चेंज हैं। और यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ये यहाँ पर कुछ, अरे कहाँ दिखेगा, और ये यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है, और यहाँ पर प्राइस लिखा ही हुआ है, तो महंगा नहीं ज़्यादा, मतलब सस्ते में ही है। वॉट आई एम फ्रॉम इंडिया, यस, ओके। कल से निकले हुए थे हम लोग, और आज भी काफ़ी परेशानी हुई वीज़ा लेने में, और इंट्रोगेशन भी काफ़ी हुई थी हम लोग की, पूछताछ इतनी ज़्यादा हुई कि जैसे पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। बट शाम को अभी सो के थोड़ा सा निकले हैं, तो अच्छा लग रहा है यहाँ का मार्केट। और अभी तो मैंने शॉर्मा खाया जो कि आपने देखा, और अब मैं एक जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज और कर्ली फिंगर्स और ये सब जितना चीज़ें हैं, तो ये सब तो मैंने ये वाला मंगा लिया है, ये सॉस के साथ आएगा, यहाँ पर कई तरह के सॉस हैं। एंड ये मुझे पड़ रहा है कितने का है यार, पड़ रहा है ये वाला 1.5 दिनार का, तो ये चीज़ें, और ये एकदम जस्ट बाहर है हमारे होटल के,
अगर आपको दिख रहा है तो वो सामने ऊपर वही है हमारा जैना होटल, काफ़ी सही लोकेशन है। और ये जो कंट्री है काफ़ी सेफ है, मतलब मैंने देखा, और इनफैक्ट मैंने एक देखा कि कार को एक फीमेल भी ड्राइव कर रही थी, तो ये चीज़ देख के सही लगा कि चलो ठीक है, ओपन कंट्री है, उतना कुछ नहीं है इनके यहाँ चलो क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में शायद ड्राइव नहीं कर सकते ऐसा कुछ है,